में नहीं हो पाए। जो मुख्यमंत्री बनता था वो अपने जिले में या आस पास के जिले में विकास करता था। ये वो गुड़गांव जिला जो हरियाणा के खजाने में सबसे ज्यादा पैसा देता है, रोजगार में और विकास में वंचित रहा। लेकिन मुझे याद है 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद आपने गुड़गांव में मीटिंग ली हर नारायण पैलेस में और सभी विधायकों से मुख्यमंत्री से आप कहते थे कि भाई नौकरियां जो है वो कच्ची पक्षी बंद करो, योजना के आधार पर नौकरी दो। थोड़ा सा समय तो हमें भी लगा लोगों को समझाने में, लेकिन आज मैं कह सकता हूँ कि इस कच्ची पक्षी के चक्कर से बच के सबसे ज्यादा जो नौकरी लगी है वो दक्षिण हरियाणा के लोगों बच्चों में लगी है।